किराना और ग्रॉसरी शॉप में वाइन की बिक्री के निर्णय के खिलाफ चेंबूर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पूर्व नगर सेविका राजाश्री पालंडे के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया। चेंबूर कैंप में आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने वाइन की बोतल भी साथ लाई थी और इसके बाद विरोध में उन्होंने मुख्यमंत्री को पोस्ट कार्ड पोस्ट भी किया। देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने जो निर्णय लिया है मॉल्स, किराना स्टोर्स, जनरल स्टोर्स में वाइन मिलेगी, ये निर्णय गलत है, समाज के खिलाफ है। युवा पीढ़ी इसमें, मतलब आप देखिए, महिला वर्ग भी इससे नाराज है कि जो वाइन शॉप में मिलने वाली दारू है, वाइन मतलब दारू ही है ना, दारू का अलग अलग नाम रखने के वजह से वाइन मतलब ये ऐसे तो हेल्थ ड्रिंक तो नहीं हुआ ना, आरोग्य संजीवनी तो नहीं हुई ना, वाइन तो वाइन है, दारू ही है। तो दारू इतनी इजीली मिल जाएगी, आज आज वाइन को परमिशन दी इस सरकार ने, कल दारू बिक्री को भी परमिशन देगी। और आज भारतीय जनता पार्टी ने ये आज यहाँ पे पत्र, मुख्यमंत्री को पत्र देने का जो अभियान रखा है उसका आज पहला दिन है। आज हम लोग ने अपने बस्ती में कार्यकर्ताओं ने जाके लोगों से इसका सहभाग लिया है कि ये वाइन जो मॉल्स जनरल स्टोर में बेचने वाली है, ये आपको मान्य है क्या? ये सरकार ने लिया हुआ डिसीजन जो है वो सही है क्या या गलत है, इसकी राय लेके हम जो पत्र तैयार करके मुख्यमंत्री को देने वाले, आज 1000 पत्र हम पोस्ट बॉक्स में डालने वाले हैं। और इसी प्रकार से ये इस लगातार 7 दिन अभियान चलेगा। क्यों ये अभियान रखने का एक ही उद्देश्य है कि ये जो निर्णय लिया तो भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया, तो सरकार को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी विरोधक है इसलिए विरोध कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रास्ते में आएंगे तो इनको विरोध हो रहा है, अच्छा निर्णय हुआ तो ये इनको पच नहीं रहा इसलिए इन्होंने विरोध किया। तो ये दिखाने लगी कि जनता को भी इस निर्णय का विरोध है, जनता भी दिखा रही है कि ये आपने लिया हुआ निर्णय गलत है। ये आघाड़ी सरकार, ये वसूली सरकार है, इसको किसी भी माध्यम से मसूल निर्माण करना है, अपना तिजोरी भरना है, तिजोरी के साथ अपने भी जेब भरने हैं, इसलिए ये सब चल रहा है। और ऊपर से ये सरकार के लोग बोल रहे हैं किसानों का नुकसान होने वाला है, इससे किसान हवाल दिल होना, कैसे किसान हवाल दिल होना, कौन सी खेती में वाइन बोया जाता है, कहाँ से वाइन की खेती होती है, हमें भी पता चलना चाहिए। आपको भी सबको मालूम है वाइन भाई फैक्ट्री में बनती है, खेती में तो बनती नहीं है वाइन। कौन से बीज लाके खेती में बोने वाले, जमीन के ऊपर वाइन आने वाले कि जमीन के नीचे वाइन आने वाले, ये भी हमें बताए कृषि मंत्री जो है शरद पवार, तो देश के कृषि मंत्री रहे हैं, उन्होंने भी बताना चाहिए, अजित पवार जी ने भी हमको बताना चाहिए, मुख्यमंत्री ने भी बताना चाहिए। इतने दिल महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या हो रही थी, तभी ये सरकार को सोचा नहीं कि भाई वाइन की खेती बनाओ और शेतकरी को मालामाल बनाओ, तभी ये सरकार सोई थी क्या? कितने किसान आज ही क्यों ये आया है इनका वाइन के ऊपर प्रेम, जो उन्होंने वाइन बिक्री को लिए परमिशन दिया, तो इसका विरोध हम लोग कर रहे हैं। सरकार का ये निर्णय बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। राज्य सरकार ने किसानों का हित नहीं देखते हुए, मैं तो ये कहूँगा, जो किराने की दुकानें हैं, जो मॉल है, स्टोर है, उन पर वाइन बिक्री का जो निर्णय किया है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और गलत है। ये जनता के हित में नहीं है, और चूंकि हम विरोधी पक्ष में है, हमारा फर्ज बनता है कि जनता की आवाज़ को सरकार के कानों तक पहुंचाना, और हमें लगता है सरकार इस निर्णय को जरूर सुनेगी। जनता का जो निर्णय है कि वाइन की बिक्री कहीं पर नहीं होनी चाहिए, सिर्फ वाइन की दुकानों पर, वाइन शॉप को आपने जो लाइसेंस दिए हुए वहाँ पर बिक्री कीजिए, जो पूर्वतः चलते आ रहा है इसको नए रूप में देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और किसानों का, जैसा ताई ने बताया, किसानों का इससे कोई भला नहीं होने वाला है। और रायश्री ताई पालांडे ने यहाँ पर जो आयोजन किया है, ये 1000 पोस्ट कार्ड हम राज्य सरकार को, महिलाओं ने जो लिख कर दिए वो भेजने वाले हैं, और यहाँ विरोध स्वरूप हमने एक छोटा सा कार्यक्रम किया। अब यहाँ मैं इसको विकास आघाड़ी सरकार बोलूँ या सोनिया सरकार बोलूँ या वसूली सरकार बोलूँ, यहाँ की जनता को समझ में नहीं है कौन सी सरकार है। यहाँ जनता को समझ में नहीं आ रहा है कौन सी सरकार है। यहाँ जब से 2.5 साल हो गया कुर्सी पे बैठे, कोविड काल इतना गया, अब आपने तो बहुत कुछ देखा है, इंटरव्यू भी लिया है। हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा काम करने का निर्णय हमेशा करती है, लेकिन यह जो निर्णय वाइन साहब का
परमिशन सरकार ने दिया है मॉल में, सुपरमार्केट में, राशन के दुकान में। हम लोग चेंबूर में राशन पांडे के नेतृत्व में यह घर घर जा करके पोस्टकार्ड दे करके हजारों महिलाओं ने विरोध किया है कि यह सरकार का जो निर्णय है यह निषेध है, इसका निषेध करते हैं, इसको रद्द किया जाए। भारतीय जनता पार्टी यही मांग करती है, ये सरकार कुछ अच्छा काम कभी नहीं कर सकती है और न करेगी, इसका मैं विरोध करता हूँ और निषेध करता हूँ आघाड़ी सरकार का। कैमरामैन इकबाल से के साथ संध्या श्रीवास्तव, ग्लोबल चक्र न्यूज़, मुंबई।